तो गाइस फाइनली न्यू अपडेट की जो डेट है वो फिक्स हो चुकी है। जी हाँ गाइस, देख सकते हो आप लोग डेट को, लेकिन डेट जो है वो मैंने अभी हाइड कर रखी है, वो इसलिए क्योंकि इस वीडियो के बीच में मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो गाइस वीडियो को एंड तक वॉच करना, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और गाइस इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दीजिए। तो गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो डेट है वो अपने गेम के आ चुकी है, क्योंकि इस गेम के डेवलपर ने रिवील कर दिया, वो बता दिया हमसे कौन से डेट पे इसमें अपडेट आने वाला है। तो गाइज इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे न्यू चीट कोड बताने वाला हूं, वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों से अपडेट में क्या देखने को मिलने वाला है। गाइज इसके न्यू अपडेट में आप लोग एक नया घर देखने को मिलने वाला है, वो नया घर आप सबको बताएं वो एयरपोर्ट पर है। यहाँ गाइज आप लोग उसे कलर चेंज कर सकते हो और उसको RGB कलर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, अभी देखो आप लोग यहाँ पर इस थार को देख सकते हो। अभी देखो इस थार का मैं आप लोगों को कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखो इस थार का मैंने ऑरेंज कलर कर दिया है और ग्रीन कर दिया है, और RGB में भी कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। गाइस देख सकते हो RGB क्या होता है। RGB में गाइस बहुत सारे कलर जो है वो मिक्स होते रहते हैं, मतलब ऐसे होते हैं जैसे आप लोग देख सकते हो। तो ये भी ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, आप लोग हाउस का भी ऐसी सेम इसी तरह से कलर चेंज कर सकते हो। और गाइस यही नहीं, गाइस आप लोगों ने अपडेट में देखने को मिलने वाली है गाइस बोट। जी हाँ गाइस बोट देखने को मिलने वाली है, बोट की जगह पर ऐड हुई है, मतलब बोट एंड जेट्स की दोनों आने वाली है शायद। एंड वो किस जगह पर ऐड हुई है मैं आप लोगों को बताता हूँ गाइस। उसके लिए आप लोग क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को जाना है एयरपोर्ट पर। जी हाँ गाइस वो भी आप लोगों को एयरपोर्ट के पास ही देखने को मिलता है अपना बीच, क्योंकि बीच पर ही चला पाओगे ना आप लोग बोट एंड जेट्स की। तो गाइस देखो एयरपोर्ट पर मैं पहुंच चुका हूं, अब क्या करना है गाइस, जो एयरपोर्ट के साइड में रोड जा रही है ना, अब आप लोगों को इसी रोड पर जाना है। यहाँ गाइस इसी रोड पर जाना है आप लोगों को, अब थोड़ी आगे और जाना है, फिर यहाँ से जो है आप लोगों को ट्रीज देखने को मिल जाएंगे, उन ट्रीज के पास जाना है। फिर देखो सामने ट्रीज आ चुके हैं बहुत सारे, अब हमें यहाँ पर जाना है और यहाँ से जो है हमें गाइस बीच देखने को मिल जाएगा। देखो गाइस सामने अपना बीच है, और भाई वहाँ पर जो है आप लोग जेट स्की को एंड बोट को चला सकते हो। अभी देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ गाइस, आप लोग जो है उनको अभी स्पॉन नहीं करा सकते, तभी स्पॉन करा पाओगे जब इसका न्यू अपडेट आएगा। तो गाइस मैं आप लोग करा के दिखा देता अगर गेम का अपडेट आ जाता तो। तो गाइस और क्या आने वाले इसके अपडेट में, गाइस आप लोग एक बेहतरीन सी कार देखने को मिलने वाली है, वो होने वाली गाइस निसान GTR। जी हां गाइस निसान GTR कार देखने को मिलने वाली है, और गाइस साथ ही में आप लोगों को बुलेरो कार भी देखने को मिलने वाली है, और गाइस इसमें BMW कार भी आ सकती है अगर आप लोग ज्यादा कमेंट करोगे तो कमेंट करके बता दीजिए अगर आप लोग उसमें BMW कार को देखना चाहते हो तो। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ और क्या आने वाला है इसके न्यू अपडेट में गाइस। इसके न्यू अपडेट में आप लोगों को फ्लाइंग बाइक भी देखने को मिलने वाली है। जी हाँ गाइस फ्लाइंग बाइक भी आप लोगों को न्यू अपडेट में देखने को मिलने वाली है, आप लोग उस बाइक को फ्लाई भी कर सकते हो। लेकिन गाइस यहाँ पर एक और ट्रिक है, अगर आप लोग कोई भी नॉर्मल बाइक को फ्लाइंग बाइक बनाना चाहते हो तो आप लोग क्या करना है गाइस, एक सीट को डायल करना है जो है अपना 7112, और अब आप लोग क्या करना है यहाँ पर कोई भी बाइक को ले लेना है। यहाँ पर देखो मैं ले लेता हूँ कावासाकी निंजा H2R। अब क्या करना है, इस बाइक को चलाना है। इस बाइक को जैसे आप लोग चलाते हो तो जो अपनी बाइक है फ्लाई करने लगी, क्योंकि हमने जो है मून ग्रेविटी का चीट एक्टिवेटेड कर लिया है, तो अब जो है बाइक अपनी फ्लाई होगी। तो आप लोग ऐसे भी नॉर्मल बाइक को फ्लाइंग बाइक बना सकते हो। ये देखो गाइस यहाँ पर मैंने कावासाकी निंजा H2R बाइक को बना दिया है फ्लाइंग बाइक, और भाई देख सकते हो कैसे फ्लाई हो रही है, वो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर मून ग्रेविटी का चीट कोड एक्टिवेटेड कर रखा था। लेकिन गाइस जो अपना न्यू अपडेट आ रहा है उसमें आप लोगों को रियल वाली फ्लाइंग बाइक देखने को मिलने वाली है, जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक फ्लाई होगी। तो उसका चीट कोड भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ और क्या आने वाले न्यू अपडेट में गाइस। न्यू अपडेट में आप लोगों को देखने को मिलने वाली है हार्ली डेविडसन बाइक। जी हाँ गाइस हार्ली डेविडसन बाइक आप लोगों से न्यू अपडेट में देखने को मिलने वाली है। वो कैसी होती है उसका फोटो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ गाइस। जो हार्ली डेविडसन अपनी बाइक है वो अपनी कुछ ऐसी है, ये बाइक आप लोगों को न्यू अपडेट में देखने को मिलने वाली है। और गाइस यही नहीं गाइस, आप लोगों को इसके न्यू अपडेट में एक और बाइक देखने को मिलेगी, जो कि उसका नाम अभी रिवील नहीं हुआ है, वो तब रिवील होगा जब आप लोग कमेंट करके बताओगे। तो भाई बता दीजिए कमेंट सेक्शन में आप लोग कौन सी बाइक को इसमें ऐड करवाना चाहते हो। तो अब मैं आप लोग यहाँ पर कुछ चीट कोड बता देता हूँ गाइस। जो फर्स्ट नंबर पर अपना चीट कोड होने वाला है वो होने वाला है 606 गाइस, इससे स्पॉन होगा अपना फायर ट्रक। और गाइस जो नेक्स्ट नंबर पर अपना चीट कोड होने वाला है वो होने वाला है गाइस 700 गाइस, इससे स्पॉन होगी अपनी लैम्बोर्गिनी। और गाइस जो नेक्स्ट नंबर पर अपना चीट कोड होने वाला है वो होगा गाइस 9 से क्या होगा गाइस, 9 से नाइट मोड एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर दोबारा से डे मोड का एक्टिवेट करना चाहते हो तो फिर से 9 डायल कर सकते हो। देखो यहाँ पर डे मोड भी एक्टिवेट हो चुका है। और गाइस जो नेक्स्ट नंबर पर चीट कोड होने वाला है वो अगेन लैम्बोर्गिनी कार का होने वाला है, जो है अपना 333। और गाइस जो नेक्स्ट नंबर पर अपना चीट कोड होने वाला है वो होने वाला है गाइस 800 गाइस 800 से स्पॉन होगी अपनी बुगाटी। ये देखो यहाँ पर बुगाटी कार स्पॉन हो चुकी है। और गाइस जो नेक्स्ट नंबर पर अपना चीट कोड होने वाला है वो लेजेंडर का होने वाला है, जो है अपना 1001। और देखो यहाँ पर लेजेंडर भी स्पॉन हो चुकी है। और गाइस इसमें टोटल फॉर्च्यूनर के दो मॉडल ऐड है, एक है अपना लेजेंडर जिसका कोड है 1001, और गाइस एक है अपना 1000 जो है अपनी नॉर्मल फॉर्च्यूनर।
फॉर्चुनर। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोगों को इन दोनों में से कौन सी फॉर्चुनर ज़्यादा बढ़िया लगती है। और गाइज जो नेक्स्ट नंबर पर अपना चीट कोड होने वाला है इस बार वो होने वाला है गाइज पोर्शे का। गाइज पोर्शे कार का चीट कोड है अपना 4000। ये देखो पोर्शे अपनी स्पॉन हो चुकी है एंड भाई बढ़िया लगती है अपनी पोर्शे भी। और गाइज जो नेक्स्ट नंबर पर अपनी कार होने वाली है वो होने वाली है गाइज ओडी। ओडी का कोड है अपना 500। ये देखो ओडी एंड पोर्शे दोनों सेम ही लगती है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों में, बाकी सेम ही है। और गाइज जो नेक्स्ट नंबर पर अपनी कार होने वाली है वो होने वाली है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का चीट कोड है अपना 333। ये देखो कैसे खतरनाक यहाँ पर स्टंट किया इसने, एक बार और रिस्पॉन करा के दिखाता हूँ। ये देखो ये अपनी ऐसी कुछ स्कॉर्पियो क्लासिक है। और गाइज इसमें स्कॉर्पियो के भी दो मॉडल ऐड है, एक है क्लासिक और एक है S11। उसको भी मैं आप लोगों को स्पॉन करा के दिखा देता हूँ। इसका चीट कोड अपना 444S11 का। ये देखो ये कुछ ऐसी है, मतलब दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आगे से जो बम्पर है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी सेम ही है दोनों। और गाइज अंदर से भी दोनों का इंटीरियर सेम है। और गाइज नेक्स्ट नंबर पर इस बार चीट कोड होने वाला है अपना वो 2222 होने वाला है। इससे स्पॉन होगी मेरी फेवरेट ATV बाइक। ये जो देख सकते हो गाइज ये जो बाइक है अपनी ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है एंड भाई मुझे इसको चलाने में सच में बहुत ज़्यादा मजा आता है। एंड भाई जो अभी मैंने यहाँ पर स्कॉर्पियो स्पॉन कराई थी ना वो देखो यहाँ पर कहाँ पर जाके गिरी। ये जो उन्होंने जंप किया था खतरनाक वाला जो स्टंट किया था वो देखो उस जंप से कहाँ पर आके गिरी है अपनी स्कॉर्पियो एंड भाई है ना खतरनाक। और गाइज जो नेक्स्ट नंबर पर अपना चीट कोड होने वाला है इस बार गाइज वो होने वाला है साइकिल का। यहाँ गाइज इसमें साइकिल भी बहुत टाइम पहले से ऐड है, इसका चीट कोड अपना 1111 है। ये देखो साइकिल यहाँ पर स्पॉन हो चुकी है। और गाइज जो नेक्स्ट नंबर पर अपना चीट कोड होने वाला है वो 8000 होने वाला है गाइज। 8000 से स्पॉन होगा हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर हमें न्यू अपडेट में देखने को मिला है जो कि कुछ खास नहीं है गाइज। जो पहले हेलीकॉप्टर था अपना वो ज़्यादा बढ़िया था। और गाइज अब जो नेक्स्ट नंबर पर अपना चीट कोड होने वाला है वो होने वाला है 6000 गाइज। इससे स्पॉन होगी ट्रॉन बाइक। ये देखो ट्रॉन बाइक अपनी स्पॉन हो चुकी है। और गाइज इसमें कोबरा बाइक भी ऐड है जिसका चीट कोड अपना 4444 है। और गाइज जो नेक्स्ट नंबर पर इस बार अपना चीट कोड होने वाला है रेंज रोवर कार का जो है अपना 6666। ये देखो गाइज यहाँ पर रेंज रोवर कार भी स्पॉन हो चुकी है। और गाइज जो नेक्स्ट नंबर पर अपना चीट कोड होने वाला है वो होने वाला है गाइज पुलिस कार का। जी हाँ गाइज इसमें पुलिस कार भी आती है जिसका चीट कोड है अपना 100। अभी देखो यहाँ पर गलती से मैंने 108 चीट कोड डायल कर दिया है, मुझे यहाँ पर डायल करना है 100 मतलब 100 डायल करना है। और देखो यहाँ पर 100 से स्पॉन होगी अपनी पुलिस कार। और गाइज इसमें अपनी एक पुलिस SUV कार भी आती है जिसका चीट कोड अपना 101 है। ये देखो यहाँ पर पुलिस SUV कार भी स्पॉन होगी अपनी। ये देख सकते हो यहाँ पर पुलिस SUV कार आती है जो कि सायरन पहले से ही ऑन हुआ आता है अपनी इस पुलिस कार का। एंड देखो दोनों कार अपनी ऐसी खतरनाक है अपनी पुलिस कार। और गाइज अब जो नेक्स्ट नंबर पर अपना चीट कोड होने वाला है वो होने वाला है गाइज 8123 गाइज। इससे स्पॉन होगी अपनी मस्टैंग GT जो कि न्यू अपडेट में हमें देखने को मिली है, जो अपना लेटेस्ट अपडेट है ना उसमें देखने को मिली है। और गाइज इस बार अपनी कार होने वाली है वो होने वाली है गाइज अपनी फरारी, क्योंकि फरारी भी हमें लेटेस्ट अपडेट में देखने को मिली है जिसका चीट कोड अपना 8811 है। और गाइज इसमें अपनी एक और कार आई है जो है सुपरा, उसका भी मैं आप लोग कोड बता देता हूँ जो है अपना 2244। ये देखो यहाँ पर सुपरा भी स्पॉन हो चुकी है। तो गाइज अब मैं आप लोग को बता ही देता हूँ इसका जो न्यू अपडेट है कौन से डेट में आप लोग को देखने को मिलने वाला है, बजे आएगा इसका न्यू अपडेट। अब मैं आप लोग को ये भी बता देता हूँ गाइज इसका जो न्यू अपडेट है आप लोगों को इसी मंथ देखने को मिलने वाला है। जी हाँ गाइज ये चल रहा है अपना दिसंबर में आप लोगों को इसका न्यू अपडेट देखने को मिलने वाला है जो कि न्यू ईयर से पहले आएगा। जहाँ गाइज नेक्स्ट मंथ अपना न्यू ईयर है 1 जनवरी का, सभी को पता है। और भाई उससे पहले आप लोगों को इसका न्यू अपडेट देखने को मिलेगा, ये अपना लास्ट अपडेट रहेगा इस साल का। जी हाँ इस साल का अपना लास्ट अपडेट रहने वाला है ये। तो इसमें बहुत सारे व्हीकल आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं, जैसे मैंने लिस्ट आप लोगों को बताई दी है। इसमें आप लोगों को देखने को मिलने वाली न्यू बाइक, न्यू कार भी देखने को मिलने वाली है, न्यू हाउस भी देखने को मिलने वाला है, और भाई आप लोगों को बोट वगैरह भी देखने को मिलने वाली है। तो इस साल का अपना लास्ट अपडेट है, तो भाई बड़ा अपडेट होने वाला है ये। और गाइस अब मैं आप लोगों को इसकी डेट बता देता हूँ, पूरी फिक्स डेट क्या है गाइस। इसकी जो फिक्स डेट है अपनी वो है 25 दिसंबर। जी हाँ गाइस 25 दिसंबर को आप लोगों को इसका न्यू अपडेट देखने को मिलने वाला है। तो भाई बस कुछ ही दिनों में इसका न्यू अपडेट आने वाला है। तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप लोग इसमें क्या नया देखना चाहते हो, जो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताओगे मैं आप लोगों के लिए वही ऐड करवा दूंगा। तो भाई बता दीजिए कॉमेंट सेक्शन में आप लोग इसके न्यू अपडेट में और क्या नया देखना चाहते हो। तो ये थी गाइस पूरी लिस्ट, मैंने आप लोगों को बता दी है क्या क्या इसके न्यू अपडेट में आने वाला है, और मैंने आप लोगों को यहाँ पर चीट कोड से बता दिए हैं और इसकी डेट भी बता दी है कौन से डेट को इसका न्यू अपडेट आएगा। अब बात करते हैं टाइमिंग की, टाइमिंग क्या है इसके न्यू अपडेट की गाइस। इसका जो न्यू अपडेट है आप लोगों को देखने को मिलेगा दोपहर में। जी हाँ गाइस जो अपना लास्ट अपडेट आया था वो आया था 11 बजे के करीब, तो इस बार जो अपडेट आएगा अपना वो भी 11 से 12 बजे के बीच में ही आएगा। तो मतलब दोपहर तक आप लोगों को इसका न्यू अपडेट देखने को मिल जाएगा 25 दिसंबर को। तो गाइज एक्साइटेड हो आप लोग, अगर एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर दीजिए। एम करते हैं गाइज इस वीडियो का 1000 लाइक्स, 1000 लाइक्स का टारगेट है, मुझे बताएं आप लोग बहुत जल्द पूरा करवा दोगे। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ गाइज आप लोगों से इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।